नमस्ते। हाँ बोलिए। जो सर बोल रहे हैं कि मतलब मॉर्निंग कनेक्शन नहीं आता था सुबह में, मतलब तो अब आ रहा है, मतलब उतना नहीं लेकिन आ रहा है। मतलब मॉर्निंग सेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। हाँ, हुआ है, मतलब उतना नहीं हुआ है कि मतलब जितने कि मतलब सेक्स करने में उतना आता है, और मतलब केवल मॉर्निंग इंजेक्शन ही आ रहा है, उसके बाद से नहीं आ रहा है। अच्छा, और मॉर्निंग उसके एक्शन, बाद आपको में मॉर्निंग एक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और साइज के बारे में क्या बोल रहे थे बताइए। हाँ थोड़ा मतलब बड़ा हुआ और मोटा ऐसा लग रहा है। थोड़ा साइज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी पेनिस का साइज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा लंबा हुआ है, थोड़ा गिर्थ में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज सुना, इस पेशेंट को बेसिकली माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम है, यानी लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 2.5 इंच 3 इंच तक आता है, जो अब काफी हद तक बढ़ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से, मेरा ट्रीटमेंट से। मैं इस पेशेंट को आज से 4 महीना पहले से इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस पेशेंट का थॉरली केस टेकिंग करने के बाद इस पेशेंट को फॉस्फोरस प्रेस्क्राइब किया गया था, फॉस्फोरस 0.1 2 3 4 5 6 7 8। 4 महीने में हुआ ये कि पेशेंट का जो लेंथ है पेनिस का, वो काफी हद तक बढ़ चुका है, जो गिर्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। पेशेंट ने खुद बताया कि डॉक्टर साहब, लंबाई में भी इम्प्रूवमेंट है और जो गिर्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। साथ ही साथ जो मॉर्निंग इरेक्शन पहले बिल्कुल नहीं आया करता था, मॉर्निंग इरेक्शन अब आना स्टार्ट हो चुका है, काफी हद तक आ रहा है। बहुत अच्छा मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मॉर्निंग इरेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। जो पहले 0 था, वो अभी कुछ परसेंट हम लोग बोल सकते हैं, 30-40% 50% तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। मॉर्निंग इरेक्शन भी आना स्टार्ट हुआ है, लंबाई काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, गिर्थ में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो अगर आपका पेनिस का साइज इरेक्शन के बाद 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच तक आ रहा है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेनिस का साइज कम से कम 4.5 इंच या 5 इंच तक उसको आप कर पाए, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाके बैठ के केस टेकिंग करके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उस केस में मेरा जो बनाया हुआ जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके, वहां जो मेडिसिन बताई गई है उस प्रकार से इस्तेमाल करके आप अपना लिंग का साइज को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिलेक्शन हो पा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप लीजिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग का सिलेक्शन आपका अंदर नहीं हो पा रहा, आपका अंदर परफेक्ट सिम्टम्स नहीं है, तो फिर उस केस में आप मेरा बनाया हुआ जो प्रोटोकॉल है, वहां जो बताया हुआ मेडिसिन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। ये प्रोटोकॉल मैं भी इस्तेमाल करता हूँ इसी प्रकार से। जब मैं देखता हूँ कि किसी पेशेंट के अंदर सिंगल ड्रग पिक्चर नहीं आ रहा है, कोई एक परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में मैं अपना ये प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट को स्टार्ट कराता हूँ, और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ। इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने से बहुत लोगों का अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, बहुत लोगों का पेनिस का साइज बढ़ गया है, बहुत लोगों का गिर्थ में इंप्रूवमेंट हो गया है, बहुत लोगों का टेस्टिस का साइज में इंप्रूवमेंट हो गया, बहुत लोगों का स्पर्म का क्वालिटी ठीक हो गया, बहुत लोगों का इरेक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, बहुत लोगों का अच्छा फीडबैक आया पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास समय नहीं हो रहा है कि उन फीडबैक को उठा के मैं एक वीडियो बना सकूं। तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा फीडबैक के ऊपर, उस प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों का अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हूं मैंने, और कैसे पेनिस का साइज में इंप्रूवमेंट हुआ है, कैसे टेस्टिस का साइज में इंप्रूवमेंट हुआ है, ये मैं आप लोग को बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छा फीडबैक मेरे पास आके भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो बना सकूं। सो माई डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।